Hi there, so we are here with a new video and today we are going to share everything about MBBS in Egypt and about Egypt. हम लोग जा रहे हैं इजिप्ट, आज निकल रहे हैं, आज हमारी फ्लाइट है, तो आपके साथ शेयर करूंगा मैं वो पूरी जर्नी. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको डाउट होता है कैसे जाना है, क्या करना है, अंदर एयरपोर्ट में क्या करना है, वो सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा. इजिप्ट में शहर कैसा है, क्या चीज़ें सीखकर आपको वहाँ जाना है, शहर के अंदर क्या चीज़ें आपको सीखकर जानी है, समझकर जानी है, वो भी बताऊंगा और आपको यूनिवर्सिटी का भी पूरा टूर कराऊंगा. बिफोर एंटरिंग द एयरपोर्ट आपको अपने हाथ में अपना पासपोर्ट, एयर टिकट, ये सब ले लेना है. कभी कभी RT-PCR रिपोर्ट भी मांग ली जाती है. सो वी हैव एंटर्ड द फर्स्ट चेक, द CISF चेक, जहाँ पर आपका पासपोर्ट और एयर टिकट चेक किया जाएगा. और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बेज हैं, आप देख पा रहे हो, और कौन सी एयरलाइंस कौन से बे पर है, तो आपको अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए अपना बोर्डिंग पास काउंटर चेक कर लेना है. तो आपको चेक करना है कि आपकी एयरलाइंस कौन सी है और जिस एयरलाइन की आपकी बुकिंग है उसी एयरलाइन के काउंटर पर आपको जाना है. जैसे मेरी जो फ्लाइट है वो एयर इंडिया की है और उसके बाद दुबई से एमिरेट्स है, तो मैं एयर इंडिया के काउंटर पे जा रहा हूँ अभी. अगर आपको आपका पे नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन काउंटर है. हम आ गए हैं एयर इंडिया के काउंटर पे. यहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स हैं, हमें पता करना है कि हमारी चेक इन कौन से काउंटर से होने वाली है. उस काउंटर को आइडेंटिफाई करके हम अपना बोर्डिंग पास बनवाएंगे. आज बोर्डिंग पास के लिए रश बहुत ज्यादा है, सो इट इज ऑलवेज गुड टू कम एटलीस्ट 3 to 4 hours इन एडवांस सो दैट किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना बन पाए. तो अब हमारा बोर्डिंग पास मिल चुका है और अब हम जा रहे हैं इंटरनेशनल इमिग्रेशन की तरफ. इंटरनेशनल इमिग्रेशन में हमें अपना इमिग्रेशन चेक कराना होगा और इमिग्रेशन करने के बाद एक तरह से हम इस देश के बाहर होंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑफिशियली वी विल बी आउट ऑफ द कंट्री. इमिग्रेशन चेक पे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ सवाल पूछ सकता है. उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट, आपका वीज़ा, एयर टिकट, और अगर आप ट्रैवल वीज़ा पे जा रहे हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो जिस तरह का आपका वीज़ा है उससे रिलेटेड उनका क्वेश्चन हो सकता है कि आप मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, आपका वहाँ पर रहने का क्या अरेंजमेंट है. और एक चीज़ और कि अगर आप ट्रैवल वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी रिटर्न टिकट आपके पास है कि नहीं, तो ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, या आप वहाँ पर कहाँ पर स्टे करने वाले हैं. इन सब सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए और यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. जो भी क्वेश्चंस आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछे, आप उससे आँख में आँख मिलाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों का जवाब दें. एट लास्ट मेरा सिक्योरिटी चेक हो चुका है. मेरे पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी काउंटर्स, वहां पर आपके पास जितने भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, इंक्लूडिंग योर वॉलेट, योर रिस्ट वॉच, इवन योर गॉगल्स, इन सभी को, और इसके साथ साथ आपका जो कैबिन बैगेज है उसको चेक किया जाएगा. कैबिन बैगेज चेक करने के टाइम पे आपको अपना लैपटॉप, मोबाइल, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिसमें भी बैटरी है, ये सभी चीज़ों को निकाल कर आपको एक ट्रे में जमाना होगा. और इस ट्रे को और बाकी सभी बिलोंगिंग्स को आपको एक्सरे मशीन के थ्रू पास किया जाता है. यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी मेटेलिक आइटम है, इंक्लूडिंग कॉइन्स, ये सभी चीज़ें आपको निकाल के रखनी होंगी. आपकी बेल्ट, वॉलेट भी चेक किए जाएंगे, उसको भी आपको ट्रे में डालना होगा. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जब आप वापस पूरी चीज़ें लें
उस समय सभी चीजों को गिनकर वापस अपने बैग में रख लें, कोई चीज आपसे मिसप्लेस ना हो जाए। आपके हाथ में आपका बोर्डिंग पास भी होगा, बोर्डिंग पास को सिक्योरिटी ऑफिसर स्टैम्प कर देगा और आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स और आपके बिलोंगिंग्स को आपको बहुत ही सावधानी से रख लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपके हाथ से गिर जाए या खो जाए। और एक बार आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस हुआ, उसके बाद आप पूरी तरीके से फ्री हैं। अपने बोर्डिंग पास को चेक कीजिए, उस पर कौन सा गेट नंबर लिखा हुआ है, आराम से ड्यूटी फ्री शॉपिंग करते हुए सीधे अपने गेट पर समय से कम 45 मिनट्स पहले पहुंचें। इसके बाद हम एंटर करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ड्यूटी फ्री जोन में। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के एक बहुत ही बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है और अभी हम यहाँ पर ड्यूटी फ्री एरिया में शॉपिंग करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ पर ड्यूटी फ्री में से आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको हो सकता है लिकर सिगरेट्स आपके ब्रांड के पसंद के ना मिलें और कुछ बहुत सेलेक्टिव और बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड्स भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रेट्स पर मिल जाते हैं। तो आप लिकर सिगरेट्स, यहाँ तक कि अगर आपको कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं तो बहुत अच्छे कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, आयुर्वेदिक आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। जो लोग थोड़े से शौकीन होते हैं उन लोगों के लिए ये जगह बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसमें से भी रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए मार्केट रेट से आपको ये प्रोडक्ट्स थोड़े से कम कॉस्ट पे मिलते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के घर जाने वाले हैं या आप ट्रैवल में कुछ लोगों से मिलने वाले हैं तो यहाँ से आप कुछ गिफ्ट्स भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से पास करते हुए अलग तरह की शॉपिंग करते हुए पहुँचेंगे फूड जोन में। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फूड जोन है जहाँ पर आपको इंडियन, कॉन्टिनेंटल और सभी अलग अलग तरह के वेज और नॉन वेज फूड खाने को मिल जाएंगे। अगर आप कुछ खाने के शौकीन हैं या अगर आपको भूख लग रही है तो बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ जाकर कुछ खा लें। मैं भी यहाँ पर हालांकि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सबको ये पूरा फूड जोन विजिट कराने वाला हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अगर पेट पूजा हो गई हो तो चलिए अपना बोर्डिंग पास निकालकर अपना गेट नंबर और सीट नंबर चेक कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, कहीं ऐसा ना हो कि खाने पीने के चक्कर में आपकी फ्लाइट छूट जाए। तो इसलिए कम से कम 40 से 45 मिनट पहले अपने बोर्डिंग गेट पर पहुंच जाए। हम आ चुके हैं दुबई एयरपोर्ट पे और अब यहाँ से 5 घंटे बाद हमारी कायरो की फ्लाइट है और वो फ्लाइट है एमिरेट्स की। क्योंकि हमारी फ्लाइट चेंज हुई है, हम यहाँ पे एयर इंडिया से आए हैं और आगे हमारी एमिरेट्स की फ्लाइट है। ऐसे कंडीशन में मेरे जो ट्रैवल एजेंट है उसने बोला था कि आपको ट्रांजिट वीजा की जरूरत पड़ेगी। चलिए चेक करते हैं कि क्या ट्रांजिट वीजा की जरूरत पड़ती है। फिलहाल हम अपनी फ्लाइट से निकल के और हम बस के थ्रू कनेक्शन रूट से दूसरे टर्मिनल यानी टर्मिनल 3 पे जा रहे हैं और वहाँ से हमारी फ्लाइट है। अभी मेरे पास दुबई से इजिप्ट का
जो बोर्डिंग पास है वो नहीं है क्योंकि मेरी फ्लाइट चेंज होने वाली थी, यानी कि एयरलाइंस चेंज होने वाली थी, तो वहाँ का बोर्डिंग पास अब मुझे वापस से मिलेगा। तो फिलहाल हम कनेक्शन रूट से जा रहे हैं अपना बोर्डिंग पास लेने, वहाँ से हम कायरो का बोर्डिंग पास लेंगे एमिरेट एयरलाइंस के काउंटर से, और उसके बाद हम बोर्ड करेंगे हमारी फ्लाइट में टू कायरो। फिलहाल वक्त हो रहा है शाम का 4:30 बजे और जल्दी मैं आगे का रूट प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम पहुंच चुके हैं कायरो एयरपोर्ट। कायरो एयरपोर्ट का इमिग्रेशन सिंपल है, बहुत इजीली इन्होंने हमारे को एक्सेस दे दिया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ पर हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अपना लगेज ले रहे हैं, और हम अपना लगेज लेकर सीधे अपने होटल की तरफ चलेंगे क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, हम बहुत थक चुके हैं। और आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ कायरो एयरपोर्ट पे आपको फ्री वाईफाई नहीं मिलेगा, तो फ्री वाईफाई नहीं मिलने के कारण आपको थोड़ी सी तकलीफ़ आ सकती है। हो सकता है जल्द ही वहाँ फ्री वाईफाई हो जाए क्योंकि कुछ रीजंस हैं। और फोटोग्राफी का भी आपको ध्यान रखना है कि सब जगह पर कायरो में फोटोग्राफ अलाउड नहीं है, तो आप फोटोग्राफी करने से पहले या वीडियोग्राफी करने से पहले ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कहीं वो फोटोग्राफी रेस्ट्रिक्टेड जोन तो नहीं है, और उसका ध्यान रखते हुए आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करें। और आपको जो भी पिकअप करने के लिए आ रहा है उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए आप पहले से ही मैसेजिंग करके रखें, अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज रखें क्योंकि आपको वहाँ जाते ही मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। आगे आने वाले 5 से 7 दिन आपके लिए थोड़े से नए होंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी होगा, कुछ नई सीखने की चीज़ें भी होंगी। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले 7 दिनों में याद रखनी है, सीखनी है, और आपके लिए कुछ नए अनुभव होंगे, वो सारे मैं अपने अगले ब्लॉग में बताने वाला हूँ आपको। तो मेरे इस ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मैं आपको पूरा इजिप्ट का एजुकेशन सिस्टम, आपको वहाँ की मेडिकल कॉलेजेस और वहाँ का लोकल साइट सीइंग सब कुछ कराने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेडिकल कोर्सेज के बारे में जानने के लिए तो इस चैनल के साथ जरूर जरूर से जुड़े रहिए।